हेलो गाइज, माय नेम इज जायद खान। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक अमेजिंग ट्यूटोरियल जो हमारा होने वाला है फूड वेबसाइट। तो आज अपन एक फूड वेबसाइट बनाने वाले हैं जिसका डेमो आपने देख ही लिया होगा। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जितनी भी इमेजेस वगैरह यूज हुई हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लो। तो मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने एक फोल्डर लिया है फूड वेबसाइट नेम से। मैं इसको वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज फोल्डर है जिसके अंदर हमारी इमेज है, और बाकी मैंने तीन फाइलें ली हैं, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और स्टाइल। ओके, तो एचटीएमएल के अंदर ये है और स्टाइल के अंदर कुछ मैंने ये रख रखा है, और जेएस फाइल वो अभी खाली है। तो ओके, यहाँ पे मैंने स्टाइल को कनेक्ट कर रखा है और नीचे जावास्क्रिप्ट को। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर हेडर लेते हैं। ओके, और इसको ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले HTML, इसके अंदर अपन डालेंगे फॉन्ट फैमिली। तो इस वेबसाइट में जो फॉन्ट यूज होने वाला है वो अपन यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहले अपन फॉन्ट ले आते हैं। फॉन्ट अपन को चाहिए पोपेंस। ओके, तो पोपेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर जितने भी फॉन्ट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपको चाहिए उनको सेलेक्ट कर लो, मैं अभी सभी को कर रहा हूँ। ओके, फिर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे टॉप पे डाल देता हूँ। ओके, और फॉन्ट फैमिली इसके जस्ट नीचे होगी, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इसको अपन HTML में डाल देंगे इधर। ओके, इसके बाद अपन बॉडी की विड्थ रखते हैं 100% और हाइट है वो अपन 100 VH रखते हैं, जो व्यू पोर्ट हाइट होता है। ओके, इसका बैकग्राउंड एस DE DE DE। ओके, इसके बाद हमारा हेडर पोजीशन रिलेटिव विड्थ इसकी रखते हैं 58%, हाइट इसकी रखते हैं 75, बैकग्राउंड इसका वाइट। ओके, तो सबसे पहले इसको सेंटर ले आते हैं। तो सेंटर के लिए अपन बॉडी में डालेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। ओके, तो सेंटर में आ गया। ओके, इसके बाद इसमें बॉक्स शैडो डाल देते हैं, 0 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, -1 पिक्सल्स, RGB 0 0 0। इसकी ऑपेसिटी भी को भी कम करते हैं अपन। ओके, कूल। ओके, इसके बाद मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ जिससे कि अंदर का कंटेंट कुछ जगह छोड़ के आगे की तरफ आए। अपन दोनों साइड से 30 दे देते हैं, लेफ्ट और राइट से। ओके, इसके अंदर अपन लेते हैं नेव। ओके ओके, तो हेडर के अंदर नेव, इसकी विड्थ अपन रखते हैं 100% और
हाइट इसकी 10%, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। ओके, तो पीछे अपन ने पैडिंग दिए तो 30 30 पिक्सल दोनों साइड से इसने जगह छोड़ दी। ओके, इसके अंदर मैं एक ले लेता हूँ, डिव डॉट लेफ्ट मेन्यू, और एक साथ ही मैं ले लेता हूँ इसके अंदर सेक्शन। हेडर डॉट लेफ्ट मेन्यू, ओके, वेट इसमें मैं रख रहा हूँ इसकी 20 पिक्सल और हाइट इसकी 90%, और ऐसे ही सेक्शन 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 की विड्थ अपन 95% रखेंगे और हाइट 90। ओके, तो मैं इनको भी बॉर्डर दे देता हूँ जिससे पता चले कि ये कहाँ कहाँ पे है। ओके, तो नीचे की तरफ आ रखा है, तो हेडर के अंदर अपन डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स और फ्लेक्स रैप रैप। ओके, तो एक हमारा यहाँ पे बॉक्स है, एक इधर है और एक यहाँ पे है। ओके, मैं इनको अलग कलर दे के दिखा देता हूँ आपको, ग्रीन रेड। ओके, तो ये रेड वाला इधर छोटा सा, और ये ग्रीन वाला, और ये ब्लैक वाला। ओके, तो इसको आप और भी बढ़ा सकते हो लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा 7। ओके, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ओके, तो मैं इनको हटा देता हूँ पहले। ओके, इसके अंदर इससे पहले अपन रखेंगे इसके अंदर लोगो, तो ड्यू डॉट लोगो, लोगो के अंदर हमारा एक H1 होगा, फूड बार, और एक अपन इमेज रखेंगे। पहले इसको स्टाइल कर लेते हैं, उसके बाद अपन इमेज को सेट करेंगे। ओके, जस्ट यहाँ पे हेडर डॉट लोगो, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0, लेफ्ट 10%। ओके, विड्थ इसके रखते हैं अपन 250, ट्रांजिशन वन सेकेंड। ओके, साथ ही इसका बैकग्राउंड रख लेते हैं, ओके, बैकग्राउंड इसका रखते हैं 2 8 2 8 2 8। ओके, साथ ही हाइट हाइट अपन इसके रखते हैं 350। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, इसके बाद ओके, तो इसके अंदर H1 को करते हैं H1, कलर इसका वाइट, और टेक्स्ट अलाइन अपन रख लेते हैं सेंटर। ओके, कूल, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, फॉन्ट साइज इसके अपन 25 रख लेते हैं। ओके, फॉन्ट वेट 600। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसके अंदर इमेज डालते हैं, फूड 1। ओके, इस इमेज को ठीक करते हैं पहले,
ओके, इसकी विड्थ अपन 300 रखेंगे। ओके, मार्जिन 20 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, -30 पिक्सल, -30 पिक्सल। ओके, और साथ ही इसको अपन क्या करते हैं, फिल्टर एक ड्रॉप शेडो दे देते हैं, ड्रॉप शेडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल। ये ओनली इमेज की देती है शेडो, और बाकी जो बॉक्स शेडो लेते हैं अपन वो पूरे बॉक्स की देते हैं। ठीक है, तो RGB इसका रखते हैं 0.6। ओके कूल, इसको बढ़ाओगे तो ओके 6 ही रखते हैं, 6 बिल्कुल ठीक है। ओके, अभी अपन नैव को सेट करते हैं। नैव के अंदर आइटम्स आने वाले हैं, जैसे एक नेविगेशन बार आएगा और यूज़र वाले आएंगे, और एक साइड में मेन्यू बटन आएगा। तो उसके लिए एक ही लाइन में चाहिए, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सब अलग अलग। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, नैव, सबसे पहले नैव के अंदर क्या रखते हैं, एक ड्यू, इसके अंदर एक आइकन ही ले लेते हैं सीधा, तो अपन बूटस्ट्रैप से लेंगे, बूटस्ट्रैप आइकन मेन्यू, ओके मैं यहां दे देता हूं मेन्यू। एडर नेव डॉट मेन्यू, तो इससे पहले जो CDN लिंक है वो भी देना पड़ेगा, तो मैं इसको डाल देता हूँ जस्ट इसके ऊपर। ओके, तो इसको देते हैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, कलर ब्लैक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 30 या 25 भी ठीक रहेगा, चलो ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसके अंदर अपन लेंगे थोड़ा, ओके इसके अंदर एक लेंगे राइट, राइट मेन्यू, वो रहेगा इसके बाद। ओके, तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर अपन एक तो यूएल लेंगे और एक यूजर वाला लेंगे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स वो भी एक ही लाइन में चाहिए, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे वो दोनों बराबर रहे। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले अपन एक यूएल लेंगे, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर एंकर टैग। ओके, इसके अंदर सोप फीचर, फीचर्स, इसके बाद क्या है, रेसिपी, हॉटलाइन, ये हो गया। और इसके बाद अपन एक ले रहे हैं इसके अंदर एक और ड्यू, ड्यू डॉट यूजर एंड कार्ट, कार्ट। ओके,
इसको मैं फिलहाल, चलो इसमें ले ही लेते हैं, पहले आइकन की ज़रूरत है। कार्ड में अपन ले रहे हैं, हार्ड डैश वाला, चलो ये ठीक है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ओके, तो राइट मेन्यू के अंदर सबसे पहले हमारा था यूएल, इनको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ओके, लिस्ट स्टाइल टाइप नन, डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर। ओके, इसके अंदर एल आई। ओके, तो एल आई को अपन पैडिंग देंगे ऊपर नीचे से 3 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 10। ओके कूल, फिर हमारा एंकर टैग, इसके अंदर सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, फॉन्ट साइज 11 पिक्सल। ओके, फॉन्ट वेट इसका 600। कलर अपन इसका रख लेते हैं ब्लैक और ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड लाइनर। ओके, और इसके अंदर पोजीशन रिलेटिव। ओके, इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक बिफोर, एक अपन डॉट बनाएंगे, जब भी इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो एक नीचे डॉट आ जाए और बाकी इसका कलर चेंज हो जाए। ओके, तो सबसे पहले कंटेंट, पोजीशन ऑप्शन, पोजीशन इसकी रखेंगे एब्सोल्यूट। ओके, पोजीशन एब्सोल्यूट और बाकी विड्थ अपन उसकी रखते हैं 4 पिक्सल और हाइट भी इसकी 4 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका रखते हैं अपन एच डी सी 1313। ओके, बॉर्डर रेडियस 50% जिसे राउंड हो जाएगा। ओके कूल, और साथ ही अपन बॉटम 0। ओके, इसको -5 पिक्सल कर दें। ओके कूल, ये बढ़िया है। और लेफ्ट इसके अंदर दे देंगे 45% जिसे सेंटर में आ जाएगा, और अभी ऑपोजिट इसकी 0 रखते हैं, और साथ ही ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। ओके, इसके ऊपर कर्सर होवर करवाएंगे पहले तो इस पे डॉट होवर, तो ये क्या करेगा, ऑपसिटी को 1 कर देगा। ओके ओके कूल, और साथ ही इसके ऊपर हो तब कलर इसका ये कर देंगे। ओके, वो बिल्कुल ठीक है। ओके, ये हो गया, इसके बाद अपन यूजर वाला करते हैं। तो यूजर कार्ट इसके बाद,
तो इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर भी सबसे पहले तो इसको मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट साइड इसको देते हैं 50 पिक्सल। ओके, और इसके अंदर दो आइटम्स होंगे तो इनको भी एक ही लाइन में लेना, तो डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर। ओके, इसके साथ मैं एक इमेज दे देता हूँ इसके अंदर। यूजर, ओके, ओके, IMG विड्थ अपन इसके रखते हैं 70 पिक्सल, और हाइट भी सेम ही 70 पिक्सल। ओके, और बॉर्डर रेडियस इसकी 50% कर देंगे। ओके, वैसे तो है पहले से ही, और मार्जिन इसका लेफ्ट 10 पिक्सल। ओके, ये हो गया, और इसमें पोजीशन रिलेटिव रखते हैं। ओके, क्योंकि इसके अंदर मुझे एक डॉट चाहिए ऊपर की तरफ, टू बिफोर कंटेंट एब्सोल्यूट विड्थ अपन इसकी 5 रखेंगे, और हाइट भी 5, बैकग्राउंड अपन को चाहिए ये वाला DC 1313, और इसको कर देंगे के पहले तो ये देखते हैं कि सोने क्यों नहीं हो रहा है ये, तो इसको टॉप और टॉप 0 पिक्सल और राइट 0 पिक्सल, जेड इंडेक्स। ओके, ये सो नहीं हो रहा, चेक करते हैं इसको क्यों नहीं हो रहा है ये सो नहीं कर रहा, तो अपन दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो ड्यू डॉट यूजर, ओके, इमेज को इसके अंदर रखेंगे, और इसमें अपन क्या करेंगे, तो इमेज है उसको हटा देंगे इधर से, और इसकी हाइट कर देंगे अपन विड्थ 100%। ओके, और इसको भी अपन हटा देंगे यहाँ पे यूज़र। ओके, आ गया, चलो बिल्कुल ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया नेविगेशन बार। इसके बाद अपन लेफ्ट मेन्यू को स्टाइल करेंगे। ये तो लेफ्ट मेन्यू में अपन एंकर टैग डालते हैं, इसके अंदर टाइप करते हैं अपन, सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, प्रोसेस। ओके, इसके बाद अपन को चाहिए डिज़ाइन, और साथ ही मटेरियल। इसको करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले को फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट को भी मैं सेंटर कर देता हूँ, जिससे ये सभी एक लाइन में आ जाएंगे और सेंटर में आ जाएंगे बिल्कुल। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन डाल देता हूँ जो कॉलम, तो इसको ये सेंटर कर देगा। ओके, और इसके बाद हमारे पास क्या था, एंकर टैग
तो इसको अपन स्टाइल करते हैं। इसमें सबसे पहले मार्जिन 30 पिक्सल, 0 पिक्सल, ओके कूल। और पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ा, वो 0 और 5 पिक्सल। इसके बाद मैं इसको देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और फ़ॉन्ट साइज वो 10 पिक्सल दे देते हैं, बाकी कलर ब्लैक, फ़ॉन्ट वेट इसको देते हैं 600, ओके। ट्रांजिशन पॉइंट 3 सेकेंड, लाइनर ओके। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ट्रांसफॉर्म ओके। और इसके अंदर रोटेट इसको -90 डिग्री घुमा देते हैं, ओके कूल। ये हो गया हमारा। ये एक्स्ट्रा आ गया नीचे, तो इसको हटा देते हैं, ओके। लेकिन इसके अंदर होवर भी लगा देते हैं, होवर ओके। तो ये इसका कलर चेंज कर देगा, ओके। इसको भी थोड़ा ऑरेंज टाइप ही रखेंगे, ओके। ये भी हो गया। और मैं ऊपर इसको नैव का जो बॉर्डर है उसको भी हटा देता हूँ, ओके। काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। तो हमारा अभी बचा सेक्शन, तो अपन सेक्शन को करते हैं, ओके। तो इसके अंदर सबसे पहले कंटेंट, तो अपन एक कंटेंट डाल देते हैं, कंटेंट। इसमें पोजीशन सबसे पहले रिलेटिव, ओके। तो इसके अंदर कंटेंट डाल लेते हैं, सबसे पहले इसके अंदर H1, और इसके अंदर अपन एक आईडी भी देंगे जो अपन को जावास्क्रिप्ट में काम आएगी, टाइटल ओके, थाई थाई चिकन। और इसके बाद पैराग्राफ, तो मैं इसमें लोरियम 20 रख रहा हूँ, ओके। इसके बाद एक क्लास रखते हैं ड्यू डॉट प्राइज ऑर्डर, ओके। तो इसके अंदर प्राइस टैग रहेगा और बाकी एक ऑर्डर रहेगा। और इसके अंदर प्राइस टैग की भी एक मैं क्लास लेता हूँ, इसके अंदर प्राइज, इसके अंदर प्राइज तो उसको अपन S2, साथ में एक आईडी देंगे प्राइज काउंट, ओके। इसमें मैं डाल रहा हूँ $38, और साथ ही एक पैराग्राफ टोटल अवेलेबल, ओके। और इसके अंदर मैं एक एंकर टैग डाल देता हूँ जिस पे रहेगा ऑर्डर नाउ, तो चलो स्मॉल कर देते हैं, ओके। तो ये हमारे पास कंटेंट है, ओके। तो इसको करते हैं सेट, सबसे पहले इस साइड में। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास था कंटेंट, ओके। तो इसमें अपन क्या करते हैं, पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जो ये इमेज है इसके जस्ट आगे लेके आना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसमें लेफ्ट 370 पिक्सल, ओके कूल। इसके बाद में मार्जिन टॉप
10%। ओके, इसके बाद अपन करते हैं डिस्प्ले, फ्लैक्स, लाइन आइटम, सेंटर। लाइन आइटम तो फ्लैक्स स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि शुरुआत से ही चाहिए अपन को फ्लैक्स स्टार्ट, और जस्टिफाई कंटेंट भी फ्लैक्स स्टार्ट ही चाहिए। ओके, साथ ही फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम जिसे सेंटर में आ जाएगा। ओके, वैसे तो इसकी ज़रूरत थी नहीं लेकिन आप कर भी सकते हो। ओके, इसमें मैं ट्रांजिशन डाल देता हूँ जो रिस्पॉन्सिव करेंगे तब काम आएगा। ओके, ये जो वाइब्रेट हो रहा है तो वो इसके कारण हो रहा है कि जैसे ये टच हो चुका है इधर इसके लिए, क्योंकि देखो नीचे स्क्रॉल बार आ चुका है ना, इसलिए। तो इसको भी अपन सेट करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हैडर, हैडर के अंदर सेक्शन, फिर हमारा कंटेंट। कंटेंट में हमारा सबसे पहले क्या था, H1। तो इसकी फ़ॉन्ट साइज अपन रखते हैं इसकी 40 पिक्सल। ओके, ट्रांजिशन 1 सेकेंड, लाइनर। ओके, इसके बाद पैराग्राफ था, पैराग्राफ की भी फॉन्ट साइज रख लेते हैं 40 पिक्सल। ये रखते हैं 10 पिक्सल ओनली, ना कि 40। ओके, फॉन्ट हाई, फॉन्ट वेट इसका 600, और इसकी विड्थ दे देंगे जिससे ये छोटा हो जाएगा। विड्थ इसके देते हैं 290। ओके, इसको ओपन कर देंगे ओवरफ्लो यहाँ पे हेडर को। ओके, अब ये नहीं करेगा वैसे। ओके, साथ ही वर्ड ब्रेक, ब्रेक ऑल, ये एक साइड से ही टूटेंगे, एक साइड से ये यहाँ से मतलब बराबर रहेंगे राइट साइड से। ओके, ओके, इसके बाद हमारा था प्राइस ऑर्डर, ये वाला, इसको कॉपी करते हैं। प्राइस ऑर्डर में क्या करना अपन को, डिस्प्ले को फ्लैक्स, क्योंकि एक ही लाइन में चाहिए दोनों, ऑर्डर भी जस्ट सामने चाहिए डॉलर के, तो फ्लैक्स, लाइन आइटम सेंटर, और मार्जिन टॉप में रख लेता हूँ 10 पिक्सल। ओके, अब इसको सेट करते हैं। ओके, प्राइस ऑर्डर के अंदर प्राइस वाला टैग हमारा, तो इसके अंदर था प्राइस डॉट। ओके, और इसके अंदर हमारा है फर्स्ट H2, तो H2। ओके, तो H2 को करते हैं, H2 की पहले तो फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और कलर हमारा DC 1313। ओके, लाइन हाइट जिसे जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, अपन इसकी लाइन हाइट कम कर देंगे। ओके, इसके बाद हमारा था पैराग्राफ, इसमें अपन क्या करते हैं, पहले तो इसको फॉन्ट साइज देते हैं, इसको काफ़ी छोटा करना पड़ेगा, 5.5 पिक्सल कर देता हूँ मैं। ओके, और मैं इसको एक विड्थ दे देता हूँ जिससे ऑर्डर है वो पास में आ जाए, इसको मैं देता हूँ 50 पिक्सल। ओके, कूल। पहले तो ये बता देता हूँ कि क्यों ये आगे था, क्योंकि अपन ने पीछे यहाँ पे
कंटेंट के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उनकी अपन ने विड दे दी थी 290, तब ये भी अंडर ही आता है पैराग्राफ, तो इसलिए इसकी भी 290 होगी थी, तो इसको लिए अपन इसको छोटा कर देते हैं। ओके, बॉर्डर डाल के दिखा देता हूँ आपको, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो ये नहीं था तब, ये इतना बड़ा था। ओके, ये हो गया। अभी अपन एंकर टैग को सेट करते हैं, ये प्राइस से बाहर है। ओके, इसके अंदर सबसे पहले तो पैडिंग 4 पिक्सल 20 पिक्सल और साथ ही बैकग्राउंड 1 2 1 2 1 3। कलर अपन इसका रखेंगे वाइट और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, ये हो गया। फिर फ़ॉन्ट साइज, इसका फ़ॉन्ट साइज 14 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट इसको 35 पिक्सल दे देते हैं, ये काफ़ी ठीक है। ओके, तो ये हमारा कंटेंट बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन जो हमारा कार्ड्स वाला सेक्शन रहेगा वो बनाएंगे। ओके, तो चलो उसको स्टार्ट करते हैं। कंटेंट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, फिर इसके अंदर डिव डॉट कार्ड्स। ओके, अपन इसके अंदर कुछ कार्ड ले लेते हैं, डिव डॉट कार्ड कि मैं 5 कार्ड ले लेता हूँ इसके अंदर। ओके, हेडर, सेक्शन, सेक्शन के अंदर अपन ले रहे हैं कार्ड्स। ओके, तो इसकी विड्थ अपन रखते हैं 90%, हाइट इसकी 140 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो अपन इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे, जस्ट इसके नीचे फूड बार के, तो इसलिए अपन क्या करेंगे इसके अंदर पहले तो पोजीशन रिलेटिव। ओके, इसके बाद टॉप 20%। ओके, बिल्कुल ठीक। इसके बाद इसके अंदर मैं पैडिंग दूंगा लेफ्ट साइड से, तो क्या होगा कि मतलब जो फूड वार वाला जो हमारा बॉक्स है इसके बराबर से स्टार्ट होगा, जो कार्ड स्टार्ट होगा, तो उसके लिए अपन 30 पिक्सल रख लेते हैं। ओके, फिर हमारे पास इसके अंदर कार्ड है, डॉट कार्ड, उसकी विड्थ अपन कितने रखते, पहले तो पोजीशन रिलेटिव कर देते हैं इसकी भी, और विड्थ इसकी रख लेते हैं 125 पिक्सल और हाइट भी इतनी ही 125 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, और इनको एक लाइन के अंदर लाने के लिए इसके अंदर अपन डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, जिससे एक लाइन में हो जाएंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और अलाइन आइटम से ये बराबर हो जाएंगे। पहले मैं इनको सेव कर देता हूँ। ओके, फिर अलाइन आइटम, इसको सेंटर करना है। ओके, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये दूर दूर हो जाएंगे अपने हिसाब से, जितनी जगह होगी उस हिसाब से डिफाइन कर लेंगे। ओके, इसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, ये 5 है, मैं इसमें कुछ कार्ड और डाल देता हूँ। ओके, इससे ये छोटे हो गए, तो अपन को क्या करवाना है इसको स्क्रोल, तो स्क्रोल के लिए यहाँ पे अपन डालेंगे ओवरफ्लो ऑटो। ओके, अभी इसके साथ जो कार्ड की विड्थ और हाइट है उसको मिनिमम रखना पड़ेगा, मिनिमम मिनिमम हाइट विड्थ और मिनिमम हाइट। ओके, कूल, तो ये स्क्रोल हो रहा है।
ओके। इसके बाद अपन क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं राइट साइड से, उसको देंगे अपन 30 पिक्सल। ओके। और साथ ही मैं इनको बैकग्राउंड भी दे देता हूँ साथ ही। ओके, बैकग्राउंड इसको देते हैं 2:8 2:8 2:8। ओके, फिर अपन बॉर्डर रेडियस फर्स्ट वाले कॉर्नर को अपन 50 पिक्सल देंगे और बाकी सभी को 10 पिक्सल, क्योंकि उधर की साइड अपन को प्लेट रखनी है। ओके, तो ओके ये भी हो गया। और जस्ट पीछे वाला कर लेते हैं अपन, और मतलब क्लिक करने पे वो स्मूथली स्क्रॉल हो, तो इसके लिए अपन इसमें डालेंगे स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ। ओके, साथ ही ट्रांजिशन 1 सेकेंड। ओके, ये हो गया। ओके, अभी अपन को ये स्क्रॉल नहीं चाहिए। ओके, तो इसके लिए अपन इसके अंदर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहां पे डालेंगे वेब किट स्क्रॉल बार, और इसमें अपन इसकी डिस्प्ले को नन कर देंगे। ओके कूल। ओके हो रहा है। तो अभी इसके अंदर और क्या चाहिए अपन को, प्लेट चाहिए तो वो लाते हैं। उससे भी पहले अपन ये कर देते हैं इसके अंदर कि जो लास्ट वाला कार्ड है ना, जो ये वाला, इसकी जो मार्जिन आ रखी है वो नहीं चाहिए राइट साइड की। तो इसके लिए अपन करेंगे इसमें डॉट नंथ लास्ट चाइल्ड फर्स्ट, मतलब लास्ट वाला जो शुरुआत हो रही है वो फर्स्ट नंबर का, उसको मार्जिन हटा दो, मार्जिन राइट 0 पिक्सल। ओके, तो अभी इधर साइड कोई मार्जिन नहीं है। ओके कूल। ओके डन। इसके बाद हमारा था, इसके बाद इसके अंदर अपन इमेज डालते हैं, तो वो ले आते हैं पहले फर्स्ट कार्ड। तो इसके अंदर इमेज डॉट डिस, ओके, इमेज फूड 2:png। ओके हो गया। तो यहाँ पे डॉट डिस। ओके, तो इसकी विड्थ अपन 70 रखते हैं और पोजीशन रिलेटिव। ओके, फिर टॉप -5 और लेफ्ट भी, -5 पिक्सल। ओके, तो थोड़ा बाहर की तरफ निकल गया। इसी के साथ अपन एक इमेज और लेंगे, जो इसके अंदर जो स्टीम होती है मतलब भाप होती है, जो गरम खाना होता है तो उसके ऊपर वो भाप आती है, वो डालेंगे इसके ऊपर। तो इमेज डॉट स्टीम, स्टीम। ओके, और इमेज स्टीम। ओके, तो यहाँ पे वो भाप है तो इसको भी सेट करते हैं अपन STEAM स्टीम। ओके, इसको क्या करते हैं, इसको 60 रखेंगे और जो हाइट है उसको अपन 80 पिक्सल रखेंगे। ओके कूल। पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको -35 रखेंगे और इसको 5 लेफ्ट। ओके, तो इसके ऊपर जस्ट वो वाफ आ गई। ओके ये हो गया। इसके बाद हमारा इसके अंदर डालते हैं प्राइस टैग, तो वो अपन रखेंगे H4।
$80। तो इसके लिए H4 था, तो इसमें अपन क्या करते हैं, H4 को पोजीशन एब्सोल्यूट और साथ ही टॉप 20 पिक्सल, हाइट अपन इसके रख लेते हैं टॉप 20 पिक्सल, और राइट में रखना अपन को हाइट नहीं, राइट अपन इसका 20 ही रख लेते हैं। ओके ओके, ये डॉट नहीं आएगा इधर क्योंकि ये टैग है। ओके ओके कूल। इसके बाद अपन कलर व्हाइट, फॉन्ट साइज अपन इसके रखते हैं 30 और फॉन्ट वेट 600। ओके ये हो गया। ओके इसके बाद इसमें अपन टाइटल रखेंगे, तो टाइटल हमारा होगा H5, वो डालते हैं रोस्टेड चिकन, तो इसको कर लेते हैं H5। ओके तो इसका सबसे पहले तो कलर वाइट रखेंगे। ओके फॉन्ट साइज कितने रखें इसकी, 12 पिक्सल। ओके कूल। फिर फॉन्ट फैमिली 500, साथ ही पैडिंग 0 पिक्सल 10 पिक्सल। ओके कूल। और मार्जिन टॉप -8 पिक्सल, ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, मेरे हिसाब से 11 कर देंगे इसको। ओके अगर इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं अपन, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके फिर ओवरफ्लो हिडन वाइट स्पेस। ओके वाइट स्पेस इसमें नो रैप। ओके साथ ही अपन क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्स। ओके अभी ये तीनों चीज क्या करेंगी कि अगर हमारा मतलब टाइटल वो अगर ज्यादा बड़ा है या फॉन्ट साइज में बड़ा, जो भी किसी प्रकार, इसको मैं 15 पिक्सल करता हूँ तो देखो ये डॉट डॉट हो जाएगा। ओके तो इसके लिए मैंने इसको डाल दिया। ओके इसके बाद इसके अंदर अपन रखने वाले हैं पैराग्राफ, तो इसमें अपन डालेंगे पर प्लेट। तो ये हमारा पैराग्राफ। ओके तो पैराग्राफ का कलर RGB। ओपन रख लेते हैं 203। टू जीरो थ्री। ओके इसके बाद फॉन्ट साइज 9 पिक्सल और फॉन्ट फैमिली 500। इसके बाद पैडिंग 0 पिक्सल 10 पिक्सल। ओके ये भी हो गया। इसके बाद अपन इसके अंदर रेटिंग और कार्ट का डालते हैं, तो इसके लिए मैं एक डिव बना रहा हूं, तो इसमें रेट एंड कार्ट। ओके इसमें H6 लेंगे,
जो रेटिंग बताएगा, और बाकी अपन इसके अंदर काट लेंगे। तो वो अपन ने पहले भी लिया था तो उसको कॉपी कर लेते हैं इस वाले को। तो इसको इसके नीचे डाल देते हैं, हो गया। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, इसके बाद डॉट रेड कार्ड। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले विड्थ देते हैं इसको 100%, और डिस्प्ले को फ्लेक्स करते हैं जिससे ये एक लाइन में आए। ओके, अलाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, हो गया। और साथ ही अपन इनको एक पैडिंग दे देते हैं, ऊपर नीचे से 2 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से अपन इसको दे दें 10 पिक्सल। ओके, इसके बाद इसको इसके अंदर जितने भी हैं उनको कलर दे देते हैं साथ ही। कलर इनका वाइट रहेगा। ओके, फिर इनकी थोड़ी सी फॉन्ट साइज को अपन ठीक कर लेते हैं। इसके अंदर अपन ने क्या लिया था पहले, H6, तो इसके अंदर H6 फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज अपन रख रहे हैं इसकी 10 पिक्सल। और सेकंड हमारा हमारा रहता है डॉट BI, उसके क्लास BI होती है। ओके, तो इसको अपन 12 पिक्सल कर देते हैं। ओके, चलो कूल, लगभग हो गया सेट। बाकी के कार्ड कॉपी कर लो और उनके नाम रखने वो रख लो, मैं इनको पहले सेट कर लेता हूँ। ओके ओके, तो मैंने सभी कार्ड को फिल कर लिया है, तो उसको मैं अभी सेव करते हैं। ओके, तो ये हमारे कार्ड्स रेडी हो गए हैं। ओके, डन, ये हमारा हो गया। इसका बॉर्डर उसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ अभी। इसके बाद अपन इसमें क्या डालने वाले हैं, एक ड्यू डॉट सोशल सोशल डाल देते हैं। चलो सोशल। ओके, तो इसके अंदर सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव। ओके, इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसमें विड्थ वो अपन 100% रखेंगे, साथ ही बॉर्डर ब्लैक। इसके बाद इसको भी टॉप 20% करेंगे जिससे नीचे आ जाएगा। ओके, इसके बाद डिस्प्ले फ्लेक्स, इसके अंदर जितने भी आइटम आने वाले वो एक ही लाइन में, लाइन आइटम वो सेंटर में होने चाहिए। ओके, इतना हो गया। और जस्टिफाई कंटेंट दोनों साइड स्पेस बिटवीन। ओके, लेफ्ट राइट से पक्की रहेंगे। ओके, फिर इसके अंदर मैं एक ट्रांजिशन डाल देता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद अपन इसके अंदर डाल देते हैं, एक मैं क्लास बनाता हूँ बीटियंस। ओके, तो इसमें अपन को क्या चाहिए, बटन लेफ्ट ये लेफ्ट वाला है, एक अपन को चाहिए राइट का, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट को चेंज कर दूंगा राइट। ओके, तो अपन को ये दोनों मिल गए। इसके बाद डॉट बीटीएंस, इसमें करना है मार्जिन लेफ्ट साइड, तो वो अपन 30 पिक्सल रखेंगे, सभी की 30 रखी थी तो 30 इसकी रखेंगे। और
इसके बाद बी आई हमारे पास इसके अंदर डॉट बी आई। ओके तो बी आई का क्या करते हैं, फॉन्ट साइज सबसे पहले वो 13 पिक्सल, कर्सर पॉइंटर और ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड लाइनर। ओके ये हो गया हमारा। इसके बाद इस पे होवर हो तब, होवर कलर को चेंज करवाएंगे RGB। ओके ओके वर्क कर रहा है। इसके बाद अभी इसके बाद इसमें आइकन डालेंगे डिव डॉट आइकन्स। ओके इसके अंदर अपन को आइकन चाहिए तो सबसे पहले अपन को फेसबुक चाहिए तो फेसबुक ले आते हैं, फेसबुक। ओके ये वाला ओके। इसके बाद अपन रखने वाले हैं इंस्टाग्राम। इंस्टा इसके बाद हमारा है ट्विटर। ओके तो हमारे लगभग आइकन आ चुके हैं। ओके और इनको वैसे तो एंकर टैग में डालना था। ये रहेंगे हमारे साइड तो इनको सेट कर देते हैं पहले। डॉट आइकन्स डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, वैसे तो है ही ये लेकिन को कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके साथ ही अपन को इसमें क्या चाहिए, एंकर टैग था तो टेक्स्ट डेकोरेशन इसमें है नहीं तो पहले अपन इसके फॉन्ट साइज ही कर लेंगे। फिर फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट, इसको देते हैं 10 पिक्सल और साथ ही कलर, इनको ये वाला देते हैं 2x2x2x वाला, एक ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड लाइनर। ओके इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस पे एक होवर करवा देंगे जिसमें ये फुल ब्लैक हो जाएगा। ओके और मैं इस बॉर्डर को भी हटा देता हूं। तो डिजाइन हमारी लगभग तैयार हो चुकी है तो अभी अपन जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करते ही इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो अभी अपन जावास्क्रिप्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, जो लेफ्ट और राइट बटन है इनको अपन टारगेट करते हैं तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तुम्हारा ये इधर है। ओके तो लेट इसको कर देते हैं। ओके लेफ्ट ही डाल देते हैं सीधा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। ओके तो कौन सी क्लास चाहिए, फर्स्ट वाली। इसके बाद राइट का चाहिए तो यहाँ पे राइट चेंज कर देंगे और इधर भी राइट चेंज कर देंगे। ओके ये हो गया। साथ ही अपन को क्या चाहिए, मतलब जिसको स्क्रॉल करवाना वो, तो वो हमारा है कार्ड्स, इस वाले बॉक्स को स्क्रॉल करवाना है तो इसका भी ले लेते हैं साथ ही।
ओके, तो ये दोनों चुके हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक करवाएंगे, इस पर क्लिक, एरो फंक्शन रन होगा। ओके, तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा कार्ड्स है डॉट, इसको करवाएंगे स्क्रॉल लेफ्ट, स्क्रॉल लेफ्ट। ओके, तो इसको माइनस में करवाएंगे क्योंकि ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो हमारा हमारे कार्ड की साइज क्या थी वो देख लेते हैं। ओके, वो ऊपर की तरफ है, कार्ड डिस कार्ड 120 और मार्जिन राइट मतलब 40 के लगभग, 140 डाल देते हैं, 140। ओके, चेक करते हैं काम करता है या नहीं करता। ओके, पहले तो इसको स्क्रॉल करवाते हैं राइट वाला डाल के, राइट, और ये हो जाएगा प्लस में। ओके ओके, काम कर रहा है। ओके कूल, ये बढ़िया काम कर रहा है। इसके बाद अपन को क्या करवाना है कि किसी भी कार्ड पे क्लिक करें तब यहाँ पे टाइटल भी चेंज हो जाए, प्राइस भी चेंज हो जाए और इमेज भी चेंज हो जाए। तो इसके लिए आज अपन थोड़ा दूसरा तरीका अपनाने वाले हैं, ना कि एरे वाला। तो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले तो चाहिए वो चीज़ें ले लें, पोस्टर। ओके, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ओके, तो पोस्टर की अपन आईडी ले लेते हैं। तो हमारा पोस्टर था ऊपर, तो ये हमारा पोस्टर है, पोस्टर। ओके, मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, इसके बाद अपन को एक क्या चाहिए इसमें, टाइटल। ओके, तो टाइटल चाहिए वो हमारा रहेगा कंटेंट में, टोटल पेबल ये हमारा। ओके, टाइटल अपन ने डाल रखा है। इसके बाद हमें चाहिए एक प्राइस वाला, ओके, तो प्राइस वाला कर देते हैं साथ ही। ओके, इसमें अपन ने प्राइस कौन डाल रखे हैं कौन। ओके, तो ये डाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी क्या करेंगे कि मतलब ये कार्ड है ना, इनको ही अपन एक एरे मानेंगे, जैसे एरे। ओके, डॉट फ्रॉम, इसके अंदर क्या डालेंगे, डॉक्यूमेंट, इनको पहले तो टारगेट करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, क्योंकि इनको क्लास नेम से ही कर सकते हैं क्योंकि इनकी पर्टिकुलर कोई आईडी है नहीं। तो इसके अंदर क्या है, ये कार्ड है, इसके अंदर जितने भी कार्ड होंगे उनको ले लेते हैं। ओके, डॉट फॉर ईच एलिमेंट और आई, दो पैरामीटर ले लिया अपन ने। ओके, अभी मैं कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसमें क्या चाहिए, जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें शो करवाओ। ओके, इंस्पेक्ट। ओके, ये हमारा कंसोल था, ये जितने भी हमारे कार्ड्स हैं वो आ गए, तो इसके अंदर सब कुछ आ गया। ओके ठीक है, तो अपन को अपने कार्ड मिल रहे हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें इसको हटा देंगे, इसमें एक इवेंट लिसनर स्टार्ट करेंगे, एड डॉट इवेंट लिसनर। क्या हुआ, ओके, एड इवेंट लिसनर, इसके अंदर क्लिक, जब भी कोई इस एलिमेंट पे क्लिक करे तब क्या होगा। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि जो पोस्टर हमारा उसका SRC चेंज करो, मतलब इस वाले पोस्टर का SRC, और इसको वो मिलेगा कहाँ से, वो मिलेगा इस कार्ड से, जिस एलिमेंट पे क्लिक हुआ है उसी एलिमेंट से। तो एलिमेंट, ओके, फिर डॉट, इसके अंदर टारगेट करेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट ये खुद ही है, अपन यहाँ पे कर रहे हैं ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई डी, तो अब ये डॉक्यूमेंट एलिमेंट ही है ऐसे मान के चलो, ठीक है।
तो गेट एलिमेंट बाई किस नेम से, तो इसके अंदर वो टैग नेम से होगा क्योंकि इमेज है वो। ओके तो टैग नेम, ओके तो वो है इमेज। अभी इमेज भी इसके अंदर टू है, वन इमेज और सेकेंड इमेज, हो गया। तो अपन क्या करेंगे इसमें, जीरो वाली मतलब फर्स्ट वाली उसका क्या SRC। ओके तो चेक करते हैं ये ले रहा नहीं ले रहा। ओके गुड, ओके काम कर रहा है। ओके और इसके बाद अपन को कौन सा चाहिए, इसका टाइटल, टाइटल भी अपन ऐसे ही ले लेंगे, टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट, वो भी एलिमेंट से ही लेके आएगा, एलिमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। ओके तो इसमें कौन सा वाला था, तो इसमें टाइटल हमारा है H5 में, तो अपन H5 ले लेते हैं। और कौन से वाला, जीरो वाला। ओके इसका इनर टेक्स्ट ऐसे ही, प्राइस काउंट डॉट इनर टेक्स्ट और साथ ही एलिमेंट गेट एलिमेंट बाई, इसमें भी टैग नेम था। ओके तो ये हमारा किस में था, H4 में है, तो इसको H4 में डाल दो। और जीरो वाला है डॉट इनर टेक्स्ट है, इनर टेक्स्ट। ओके अभी चेक करते हैं। ओके काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम। ओके बिल्कुल बढ़िया एकदम। ओके तो अभी अपन इसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ओके तो इसको करते हैं इंस्पेक्ट, इसको मैं रिस्पॉन्सिव भी डाल देता हूँ। ओके तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके तो ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसको अपन अभी छोटा करते हैं थोड़ा। ओके यहाँ पे गड़बड़ हुई, 1260, तो यहाँ पे एट द रेट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, तो इसकी थी 1260 पिक्सल। ओके तो यहाँ पे अपन को क्या क्या चीज़ चेंज करनी है, इसको मैं हेडर ही कर देता हूँ अभी, तो इसको कर देता हूँ, चलो 83 कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। ओके ये हो गया। ओके इसके अंदर भी मैं एक ट्रांजिशन डाल देता हूँ इधर, 1 सेकेंड लाइनर। ओके ये हो गया। ओके कूल अभी इसको करते हैं छोटा। ओके ये यहाँ पे आके थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है इसको, चलो यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे इनकी है 885, तो ये भी ले लेते हैं 885। और इसमें क्या करते हैं अपन, इसकी विड्थ को बढ़ाई देंगे इधर से। ओके तो ये 95 हो जाएगी। ओके यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, फिर और लेके जाते हैं इसको। ओके ये यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है थोड़ा सा, चलो 775 कर लेते हैं इसको, 775। इसके अंदर क्या करते हैं, जो सेक्शन हमारा इसको थोड़ा पास लेके आते हैं पहले तो। ओके कंटेंट है सेक्शन के अंदर, कंटेंट है इसको, तो इसको मैं कर देता हूँ। ओके ये बिल्कुल यहाँ पे ठीक है,
कॉपी, इसके बाद जो वो तो मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो थोड़ा ऐसे करते हैं जो इसके अंदर लोगो है उसका लेफ्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके ओके, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, बाकी उसको रहने देते हैं। ओके, इसको हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। ओके, जस्ट ओके, ये करेगा यहाँ पे दिक्कत। ओ चलो, इसको भी थोड़ा ले ही आते हैं अंदर की तरफ, फिर नहीं होगी। कॉपी रूल, तो 40 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा। ओके, अभी दिक्कत हो रही है कि ये गैप मारा, ये क्यों कर रहा है ऐसा कि ये 90 से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, तो कार्ड हमारा। ओके, ये देखो बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे। ओके, इसको अपन थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, अभी भी कर रहा है दिक्कत, ये चीज नहीं है, फिर कुछ और ही दिक्कत है, चेक करते हैं क्या दिक्कत है इसमें। ओके, तो ऐसे नहीं हो रहा, तो इसको सेक्शन को थोड़ा छोटा करके देखते हैं, क्योंकि सेक्शन ही व्रैप हो सकता है, और तो कोई है नहीं इसके अंदर। ओके, अभी होगा। ओके, चलो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसको ओपन कर देते हैं, पहले तो इसको कॉपी रोल ही कर लेते हैं सीधा, और इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। हो गया, अभी 7:30 के लगभग आ चुका अपना, तो अभी इसको क्या करेंगे, विड्थ और हाइट को दोनों को 100% कर देंगे। इसको 330, नहीं, 730। ओके, इसमें चाहिए अपन को हेडर, हेडर तो इसमें विड्थ को भी कर देंगे अपन 100% और हाइट को भी 100%। ओके ओके, तो अभी इसको काफी जगह मिल गई। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसमें ये दिक्कत कर रही है 685 से 685। ओके, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अब इससे पहले एक दिक्कत और थी, जो सोप है उसको अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको भी जस्ट पहले वाले में ही कर देंगे इसको सेट थोड़ा। इसमें क्या करेंगे, इसकी कोई पैडिंग वगैरह होगी, इसको कर देंगे कम। ओके, ये यहाँ तक ठीक है बिल्कुल। कॉपी रूल, इसको डाल देंगे जस्ट ऊपर वाले में। ओके, इतना हो गया, अभी क्या करते हैं, इसको यूएल को, ओके यूएल को सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें पोजीशन को एब्सोल्यूट करते हैं इसकी को, और इसके बाद क्या करें, इसमें टॉप 20%। ओके, नीचे की तरफ आ गया, फिर इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, कॉलम, और इसके अंदर अपन इसमें डाल देते हैं पैडिंग। पैडिंग से पहले अपन इसको ट्रांसफॉर्म रोटेट, रोटेट इसको करते हैं
90 डिग्री। ओके, और अभी इसकी पैडिंग को बढ़ा देंगे, बाकी इसको 10 पिक्सल, और साथ ही अपन इसकी विड्थ को छोटा कर देंगे काफी। ओके, विड्थ इसकी रख लेंगे अपन 15 पिक्सल और राइट 0। ये बिल्कुल ठीक है इतनी। ओके, ये हो गया हमारा, तो इसको कर लेते हैं पहले तो सेट। कॉपी रूल, इसको हटा देते हैं। फिर हमारा ये वाला था। ओके, ये हो गया। ओके, तो अभी इस कंटेंट को करते हैं सेट। कंटेंट इसको क्या करेंगे, टॉप 38% हो गया नीचे, और जो लेफ्ट था इसको भी अपन इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। ओके, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, डन। इसको कॉपी रूल, इसको भी डाल देते हैं इसमें, और साथ ही ऊपर वाले को भी अपन ऐसे ही ले लेते हैं लोगों को। ये 30, कॉपी रूल। ओके, अभी हमारा कार्ड्स, कार्ड्स की जो परसेंटेज थी उसको बढ़ा देंगे। ओके, 43 कूल है। इसके बाद था हमारा सोशल, ओके 45, इसको भी हटा देते हैं यहां से। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, अभी इसको छोटा करते हैं, ये यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। चलो 500 कर लेते हैं इसको। वो कर देते हैं 500। ओके, तो इसमें इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, तो यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा सा अंदर। चलो 20 बिल्कुल ठीक है, और चलो पहले इसको डाल ही देते हैं उसमें। ये हो गया, और साथ ही हमारा जो कंटेंट बॉक्स है उसको भी अपन डाल देंगे इसके अंदर। इलेवन, ओके, यहां तक ये बिल्कुल ठीक है। 418, 418, ओके। इसके बाद अपन इनको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ओके, तो इसको करते हैं पहले थोड़ा छोटा, तो ये 40 पिक्सल, और दिक्कत इसमें कौन सा करेगा। ओके, इनको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं अभी, तो इनको करते हैं जो पैराग्राफ है, चलो पहले तो इसको ही कर देते हैं छोटा, टाइटल को।
32, इसकी जो विड्थ है, ओके, और साथ ही फोन साइज भी छोटा, ओके, 9 तक बिल्कुल ठीक है ये, ओके, इसको कर देते हैं पहले कॉपी रूल, ट्रांजिशन को हटा देते हैं, और सेकंड हमारा था पैराग्राफ, कॉपी रूल, ओके, ये हो गया, और साथ ही इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं अभी, पहले तो इस बॉक्स को करते हैं, ओके, बाकी फूड बार बिल्कुल ठीक है, इमेज ओके, जो टॉप वाली है उसको बढ़ा देंगे, ओके, ये बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला कॉपी रूल, इसके बाद हमारा था इमेज, ओके, तो ये हमारा हो जाएगा सेट, ओके, बिल्कुल, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव तैयार है बिल्कुल। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, तो मिलते हैं किसे नेक्स्ट वीडियो में किसे नए टॉपिक के साथ।